दोस्तों, अफ्रीका का जंगल एक ऐसी जगह है जहां पर रहने वाले सभी जीवों को ही अपनी जिंदगी जीने के लिए हर पल एक नए चुनौती का सामना करना पड़ता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर मौत और जिंदगी एक साथ चलती हैं, और यहां पर एक गलत कदम कभी भी किसी भी जानवर की जान तक ले जा सकती हैं। दोस्तों, अफ्रीका के इन घने जंगलों में अक्सर ही दो भिन्न प्रकार के जीवों के बीच में जंग और संघर्ष होती ही रहती हैं, और यहां पर मूल रूप से सिर्फ दो वजह से ही दोनों जानवर एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं। पहली वजह तो यह है कि यहां पर ज्यादातर जानवर अपनी जगह की रक्षा करने के लिए ही किसी दूसरे जानवर के साथ लड़ते हैं, और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि यहां पर सभी जानवर सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो अफ्रीका के जंगलों में कदम कदम पर खतरा होता है, और यहां पर कोई भी जानवर कभी भी किसी का दुश्मन बन सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर कुछ ऐसे भी जानवर रहते हैं जो एक दूसरे के जाने दुश्मन कहलाते हैं। आइए अब जरा इन जानवरों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अफ्रीका का जंगल दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक और आक्रामक जीवों का घर है, और इसलिए यहाँ पर हमें कभी कभी दो ऐसे जीवों के बीच में भी एक धमाशान जंग देखने को मिल जाता है जो एक दूसरे के जाने दुश्मन कहलाते हैं। दोस्तों, टाइगर, लेपर्ड और लायन, ये तीनों जीव ही बिग वाइल्ड कैट फैमिली के सदस्य माने जाते हैं। लेकिन इनमें से अगर देखा जाए तो एक लेपर्ड के पास कुछ ऐसी विशेष क्षमताएं हैं जो एक लेपर्ड को थोड़ा खास बना देती हैं। दोस्तों, एक लेपर्ड बहुत ही तेज और फुर्तीले स्वभाव का जानवर होता है, और ये बड़ी आसानी से ही किसी बड़े से पेड़ पर चढ़ने की क्षमता रखते हैं। और अगर आप कभी किसी लेपर्ड को शिकार करते हुए देखें तो आप देख पाएंगे कि एक लेपर्ड अपना शिकार पूरा करने के बाद अपने शिकार को लेकर सीधे किसी बड़े से पेड़ के ऊपर चला जाता है, और वहां पर बैठकर वो अपने शिकार को खाने का मजा लेता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक लेपर्ड ऐसा काम सिर्फ डर के मारे करता है, और उसका डर सिर्फ इतना होता है कि कोई दूसरा जीव आकर उसके खाने को चुरा कर ना ले जाए। लेकिन ऐसा कौन सा जीव है जो एक लेपर्ड के खाने को चुरा सकते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, हाइना एक ऐसा जीव है जो एक लेपर्ड के खाने को चुराने की क्षमता रखता है। असल में सिर्फ लेपर्ड ही नहीं बल्कि देखा जाए तो ये हाइना एक ऐसा अनोखा जीव है जो हर दूसरे जीव का खाना चुराने में माहिर है। ये जीव कभी भी अपना शिकार खुद से नहीं करते हैं बल्कि दूसरों का खाना चुरा कर ही अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन कैसे ये हाइना हमेशा दूसरों का खाना चुराने में कामयाब हो जाते हैं, आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हाइना ज्यादातर एक झुंड में होकर अपने दुश्मनों के ऊपर हमला करते हैं, और इस वजह से उनके दुश्मन हमेशा ही उनके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। अगर संख्या के तौर पर देखा जाए तो एक हाइना का झुंड एक शेर के झुंड से भी कई गुना बड़ा होता है, इसलिए एक हाइना के झुंड के सामने एक शेर का झुंड भी कमजोर पड़ जाता है। अब दोस्तों, होता यूं है कि जब भी कोई शिकारी जीव किसी दूसरे जानवर का शिकार करते हैं तो तब हाइना उस शिकारी जीव को ही अपना टारगेट बना लेते हैं। उसके बाद वो उस जीव से उसका शिकार छीन कर अपना पेट भरते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लेपर्ड एक हिरन का शिकार करके सीधा एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया है, लेकिन फिर भी वो अपने खाने को उस हाइना के झुंड से बचाने में कामयाब नहीं होता है। अब क्योंकि हाइना एक झुंड में रहते हैं, इसलिए लेपर्ड उनके ऊपर हमला नहीं कर पाते हैं। लेकिन कभी कभार जब एक लेपर्ड को ज्यादा भूख लगती है तो तब वो अपना पेट भरने के लिए हाइना के झुंड के ऊपर भी हमला कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लेपर्ड कैसे एक हाइना के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। ठीक ऐसे ही एक और फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक लेपर्ड ने एक हाइना का शिकार कर दिया है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो लेपर्ड उस हाइना को लेकर किसी भी पेड़ के ऊपर नहीं जाता,
बल्कि उसे जमीन में ही खाना शुरू कर देता है। इससे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ उस हाइना का शिकार करना नहीं चाहता था, बल्कि उसका मकसद तो उससे बदला भी लेना था। दोस्तों, अब हम एक ऐसे जानवर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जानवर दिखने में भले ही कितना छोटा क्यों ना हो, लेकिन इस जानवर से जंगल के बड़े बड़े जीव भी डर कर रहते हैं। दोस्तों, अभी हम आपके सामने जिस जानवर के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस जानवर का नाम है हनी बेजर। हनी बेजर एक ऐसा जानवर है जो दुनिया के किसी भी कोने में अपना गुजारा कर सकते हैं। असल में इस जीव की सहनशीलता इतनी ज्यादा है कि ये जीव दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी एनवायरनमेंट में और किसी भी हालात में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हनी बेजर बहुत ही फुर्तीले और आक्रामक जानवर होते हैं। ये जीव जंगल के किसी भी जानवर के साथ लड़ने की क्षमता रखते हैं और इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि इनके ऊपर सांपों के जहर का कोई भी असर नहीं होता है। यानी कि कोई भी सांप चाहे कितना भी जहरीला क्यों ना हो, लेकिन उसके जहर का असर एक हनी बेजर के ऊपर कभी भी नहीं होता है। इस वजह से ही हनी बेजर बड़ी आसानी से ही जहरीले सांपों को भी अपना भोजन बना लेते हैं। दोस्तों, हनी बेजर आकार में चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन इसका आत्मविश्वास बहुत ही ज्यादा होता है। अपने नीडर स्वभाव और अपने आत्मविश्वास के दम पर ये जीव जंगल के बाकी जीवों के ऊपर बड़ी आसानी से ही हावी हो जाता है, और हम आपको इस बात का पुख्ता सबूत देने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कि दो हनी बेजर के ऊपर 6 शेर मिलकर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जरा देखिए तो कि क्या ये शेर अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों हनी बेजर उन 6 शेरों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। उनके फुर्तीले स्वभाव और उनके निडर अंदाज के सामने जंगल का राजा भी कमजोर पड़ रहा है। हमारे दूसरे फुटेज में हम देख सकते हैं कि कुछ हाइना मिलकर एक हनी बेजर को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनका पाला इस बार बड़े ही खतरनाक जानवर के साथ पड़ा है। जरा देखिए कि कैसे ये हनी बेजर उन हाइनाओं के ऊपर भी भारी पड़ रहा है। लेकिन क्या एक हनी बेजर एक लेपर्ड को हराने की क्षमता रखता है? आइए इसका जवाब भी ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लेपर्ड एक हनी बेजर के बच्चे को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक वहाँ पर माँ हनी बेजर आ जाती हैं और अपने बच्चे को बचाने के लिए माँ हनी बेजर सीधे उस लेपर्ड के ऊपर हमला भी कर देती हैं। जरा देखिए कि माँ हनी बेजर के डर से वो लेपर्ड कैसे दुम दबाकर भाग रहा है। लेकिन दोस्तों, जंगल में हर वक्त एक समान नहीं जाता है और हर जंग का नतीजा भी एक जैसा कभी नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लेपर्ड कैसे एक हनी बेजर को अपना शिकार बना रहा है। इस जंग में वो हनी बेजर शायद थोड़ा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, जिसका भुगतान उसे अपनी जान गंवाकर करनी पड़ी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।